दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। मामले में जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि महिला का नाम सीता रानी है, जो शहर के मांगल वार्ड की निवासी है। वही महिला ने बताया कि उसके पेट में दर्द था, जिसका चेकअप किया गया तो डॉक्टर ने उसे बच्चादानी में खराबी बताई और ऑपरेशन कराने को कहा, जिसके बाद महिला को ऑपरेशन के लिए अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और महिला को ऑपरेशन के कपड़े भी पहना दिए गए, मगर ऑपरेशन थिएटर से महिला को बाहर निकाल दिया गया। बता दें कि महिला ने जिला अस्पताल की महिला डॉक्टर गंगेले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उससे 10,000 रुपए की मांग की गई और कहा गया कि अगर पैसे देती हैं तो आपका ऑपरेशन होगा, जिसके बाद महिला ने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला कलेक्टर ने जल्द जांच कराकर कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए। सीता रानी पटेल, क्या हो गया? हमको बच्चादानी का ऑपरेशन करवाना था, हमें जांच करवाने आए, उन्होंने जांच में लिख दो कि तुम भर्ती हो जाओ। भर्ती हो गए, दो दिन से हमें भर्ती करें, मंगलवार से भर्ती कर लो। उन्होंने पूछताछ कुछ नहीं आई भी कर भी, हम रहे आए, रात रहे आए, दिन रहे आए। उन्होंने सवेरे से मतलब हमें कपड़ा पहना दे ऑपरेशन थिएटर के, और सब हम आगान गुड़िया सब उतरवा लो, कपड़ा हमारे उतरवा ले, उन्होंने अपनी पहना दे। गंगेली मैडम से ऑपरेशन होने तो वे सिस्टरें बोल रही थी कि 10,000 रुपये लगेंगे, जब होगा ना घर जाओ, हमें तैयार करके फिर कहने अब नहीं होने तो वहाँ ऑपरेशन घर जाओ। हाँ, तो गंगेली मैडम से फिर से हमने बात की तो वे कह रहे कोई ऑपरेशन जो कैसे तुम्हें करने तो कर लो, जहाँ से काट करने कर दो, हम नहीं करेंगे तुम्हारी ऑपरेशन। पैसे ही मंगाती भी हर वीर को 10,000, तो वे सुनता ही नहीं थी तो क्या करें आप। हमें जे सिरेंज भी लगा है, पूरी नली भी डरी थी हमारी पेशाब की, वो उन्होंने निकाल दी, वो कह दी घर जाओ, हम नहीं करेंगे ऑपरेशन, जो कैसे करना तो कर लो। गंगेली मैडम यही बोल रही थी, कछु नहीं भी, डिमांड रखी जा रही 10,000। क्या बोला? कि 10,000 रुपए देंगे तो ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। गंगेली मैडम जो कछु करना तो कर लू, नहीं करने सिरेंज सिस्टर उस बोल दी निकाल दो इनकी और घर जाओ, घर आराम करो, अब नहीं होगा तेरा ऑपरेशन, जहाँ करवाना तो करवा ली। क्या नाम है आपका? कलू पटेल। क्या हो गया बताओ? ऑपरेशन के लाने आए थे, सब कागजार बन गए, अब उन्होंने भर्ती कर लो, बोले कि हाउ ऑपरेशन हो जाएगा कल बुधवार को। बुधवार को कपड़ा बड़ा पहना कर तैयार किया, अब के लिए का मालूम किया, कोई मैडम वैडम कोई नर्स वगैरह कह रही थी चिंती नहीं है उनको, कह रही थी कि 10,000 रुपये दे तो अब भी 5 मिनट में ऑपरेशन हो जाएगा ना, अपने घर जाओ, ऑपरेशन ऑपरेशन कुछ नहीं हुआ। अस्पताल से निकाल दिया, सब निकले जाए, अब वे कह रहे घर जाओ तो ऑपरेशन नहीं होने तो निकल जाए। वो क्या गया था आपकी पत्नी को? अब तुम वो बच्चादानी का ऑपरेशन होने था, पहले एडमिट कर लिया था। हाँ, और अब निकाल दिया? अब निकाल दिया, सब जगह के पूरे में के कागजात बनवा के सब तैयार, और हमारे भी फाइल जमा है, होता ही आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है उसी में लगा है। मनीष पटेल के थे भिजवा दो को करवा ला, सोते लगे थे 1500 रुपये लाए थे उन्हें। अब हमारे गरीब आदमी अगर अस्पताल ही कहे हुआ अगर ऐसे पैसे लगाने होते तो 600 उन्होंने ला दिया गांगेली मैडम ने घरे, 2100 रुपया हो गए। अब हमारे यहाँ से पैसा होते तो कहे हुआ दिया, ना तो प्राइवेट में नहीं करवा ली थी। जिला अस्पताल से एक महिला को ऑपरेशन थिएटर से निकाल दिया गया, उसकी वजह उस महिला ने बताया ये कि जो वहाँ का महिला डॉक्टर गंगेली मैडम उनके द्वारा किसी नर्स के माध्यम से कहलवाया गया था कि 10,000 रुपये दो तो आपका ऑपरेशन हो जाएगा, ये बोलकर महिला ने आरोप लगाया। पूर्व में भी ऐसे मामले जम्मू में आते रहे, जिला अस्पताल से मरीजों को बाहर निकाला गया और हंगामा होते रहे। क्या कहेंगे सर इसमें, क्या कार्रवाई? ये मामला आपके माध्यम से जो एक वीडियो आई थी उसके मामले से मुझे संज्ञान में आया है और ये जांच का विषय है कि ऐसा क्यों किया गया है। अगर प्रथम दृष्टि जो हमारे सामने जो आया है कि उसको महिला को ये कहा गया था रात में, क्योंकि नहीं एक ही लेडी थी तो एक ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था, अगले दिन करने हेतु बोला गया था, मगर क्योंकि ऐसा इशू सामने आया है वीडियो के माध्यम से इसकी जाँच होना आवश्यक। महिला ने कहा है कि कल सुबह का मामला है और सुबह उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था, कपड़े भी पहना दिए, उसके बाद कपड़े उतार के वहां से निकाल दिए।
अब मैं तो इसके बारे में एकदम एग्जैक्टली आपको डिटेल नहीं दे पाऊंगा, मगर हाँ इसको जांच करा के अगर कोई दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। लगातार जिला अस्पताल में मामले सामने आते रहते हैं, कहीं पत्रकारों को भगाया जाता है, कहीं वहाँ पर स्टाफ में से द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो कभी कभी फर्जी शिकायत करके साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराई गई। आखिर जिला अस्पताल में इस तरह की गतिविधियाँ संचालित होना कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पर भी जवाब नहीं, जो भी मामले आते हैं जो भी वैध पाए जाते हैं उसमें कार्रवाई होती है। कई बार अनावश्यक रूप से कई लोग एंट्री पास सिस्टम है उसके